हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 को कर रहे थे, ठीक है। तो आज उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जनसंख्या परिवर्तन। टॉपिक का नाम क्या है? जनसंख्या परिवर्तन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोला जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन में क्या हम समझेंगे कि एक निश्चित अवधि में, मतलब एक फिक्स टाइम में, लोगों की जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसी चीज़ को आज हम लोग इसमें देखें। बोला विश्व की जनसंख्या अस्थिर नहीं है। ये हम जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या अस्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है, ठीक है। जनसंख्या क्या लगातार धीरे धीरे बढ़ ही रही है, जैसे देखिए ये डायग्राम दिखा रहा है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं 500 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो कितना था? 100 मिलियन। फिर जब बीच में आ गया एकदम, मतलब जब से ये ईयर वाला काला स्टार्ट हो गया एडी में, ठीक है, उस समय 170 मिलियन। फिर 1000 में 265, 1500 में 1425 और इसी तरह करके 2025 तक टारगेट लिया गया है कि कितना हो जाएगा, लगभग 8525, मतलब 8525 हो जाएगा, ठीक है। यही बता रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि जनसंख्या और मृत्यु में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से जनसंख्या डिपेंड कर रहा है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, ठीक है। अगर हम इसका जनसंख्या, मानव विकास का जनसंख्या या फिर मानव की जनसंख्या बढ़ने का वृद्धि रेट अगर हम देखते हैं, तो 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। उस समय होता ये था कि जन्म तो होती थी, जन्म दर तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी अधिक थी, लेकिन उस समय क्या होती थी, मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं थी। ऐसा होने का रीज़न ये था कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी उपलब्ध नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, वहाँ पर अच्छे से फूड अवेलेबिलिटी नहीं थी, अच्छे से भोजन प्राप्त नहीं थे। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। जितने भी किसान थे सभी लोगों की भोजन की उपलब्धता को, मतलब भोजन की पर्याप्तता को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी, इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी, ठीक है। बोल रहा है सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1804 ईस्वी का बात करते हैं तो उस समय जनसंख्या कितनी थी विश्व की? 1 अरब के लमसम में। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुँच गई। वही अगर 150 वर्ष के बाद अगर हम देखते हैं तो 1959 में उसकी जनसंख्या कितनी हो गई? 3 अरब। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। 1999 में 30 वर्षों की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई, और 30 वर्ष के ही अंतराल में फिर से अगर हम बात करते तो जनसंख्या कितनी होगी? सीधा दुगुनी, 3 अरब से सीधा 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम हुआ, ठीक है। ये वृद्धि होने का रीज़न ये था कि उस समय मृत्यु दर कम हो गया था और खाना भी अच्छे से उपलब्ध हो गया था, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत ही अधिक रही है। और अगर अभी का बात करते हैं तो अभी भी जन्म दर क्या है? अधिक ही है, लगातार जन्म हो ही रहा है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आका जाता है, ठीक है। जन्म को किस में देखा जाता है? जन्म दर में। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवन जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को किस तरह मापा जाता है? जिस प्रकार जन्म दर को, बोल प्रति 1000 में कितने लोगों की जन्म हुई है, उसी तरह प्रति 1000 में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इस तरह से मृत्यु दर को मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक क्षेत्र का हम बात करते हैं और उसमें कितने लोग आ रहे हैं या फिर वहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रवास करना बोलते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, ठीक है। जन्म और मृत्यु क्या है? जनसंख्या के परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर करते हैं। किसी देश का अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितना जन्म हो रहा है और कितना मृत्यु हो रहा है, उन लोगों के बीच में का अगर हम अंतर देखेंगे तो वही क्या कहलाएगा? प्राकृतिक मृत्यु दर कहलाएगा। बोल रहा है जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास एक दूसरा रीजन है जिससे जनसंख्या क्या होता है? बढ़ता है।
लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लोग क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं या फिर एक ही देश में एक ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थापित हो सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अब यहाँ दो वर्ड फिर से आ गया, एक उत्प्रवासी और दूसरा अप्रवासी, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उत्प्रवासी जो लोग देश को छोड़ देते हैं, अप्रवासी जो लोग देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। इसमें क्या होता है, प्रवास वगैरह होते रहता है, दूसरे देश के लोग इन सारे क्षेत्रों में जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रवास बढ़ते हैं, अप्रवास बढ़ता है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या कमी का अनुभव किया जाता है। सूडान जो देश है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से लोग कई मतलब यहाँ से कई सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं वहाँ छोड़ के, इसके कारण यहाँ क्या होता है, अप्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होने का रीज़न यही रहता है कि कोई भी लोग रहता है सो अच्छे जगह रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए जो राष्ट्र या फिर जो देश कम विकसित है उसे छोड़ के अच्छे या फिर ज़्यादा विकसित देशों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, और यही एक रीज़न रहता है जिसके कारण लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य वगैरह नहीं मिल पाता और शहर में ये सारे फैसिलिटी उपलब्ध है। तो आज हम यही रखते हैं, इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।